इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इस नारे को सुनकर हमें एक महान क्रांतिकारी भगत सिंह का नाम याद आता है। नमस्कार, मैं हर्षित देशवाल, कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। मैं आप सभी को भगत सिंह के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के जिला लालपुर में बंगा गांव, जो इस वक्त पाकिस्तान में, के एक देशभक्त सिख परिवार में हुआ था, जिसका अनुकूल प्रभाव उन पर पड़ा था। उनके पिता का नाम सरदार कृष्ण सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है साहेब, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे उठाए जाते हैं। यह एक सिख परिवार था जिसने आर्य समाज के विचार को अपना लिया था। उनके परिवार पर आर्य समाज व महर्षि दयानंद की विचारधारा का प्रभाव था। भगत सिंह के जन्म के समय उनके पिता और उनके दो चाचा जेल में थे। जिस दिन भगत सिंह पैदा हुए उस दिन उनके पिता और चाचा को रिहा किया गया। इस शुभ घड़ी के अवसर पर उनके घर में खुशी और भी बढ़ गई थी। भगत सिंह के जन्म के बाद उनका नाम उनकी दादी जी ने भागो वाला रखा था, जिसका मतलब था अच्छे भाग्य वाला, परंतु बाद में उन्हें भगत सिंह कहा जाने लगा। ना जाने कितने झूले थे फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी। क्यों झूठ बोलते हो साहेब, चरखे से आजादी आई थी। क्यों झूठ बोलते हो साहेब, चरखे से आजादी आई थी। वे 14 वर्ष की आयु से ही पंजाब की क्रांतिकारी संस्थाओं में कार्य करने लगे थे। डीएवी स्कूल से उन्होंने 9वीं की परीक्षा पास की। 1923 में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद उन्हें विवाह बंधन में बांधने की तैयारी होने लगी, तो वे लाहौर से भागकर कानपुर आ गए। फिर आजादी की लड़ाई के संघर्ष में ऐसे रमे कि पूरा जीवन ही देश को समर्पित कर दिया। मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है। भगत सिंह ने जिस साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया, वह युवकों के लिए हमेशा एक बहुत बड़ा आदर्श बना रहेगा। भगत सिंह को हिंदी, उर्दू, पंजाबी तथा बांग्ला के अलावा अंग्रेजी भी आती थी, जो उन्होंने बटुकेश्वर दत्त से सीखी थी। भगत सिंह ने समाज के किसी कमजोर वर्ग पर भारतीय के प्रहार को भी इतना सख्ती से सोचा जितना किसी अंग्रेज के द्वारा किए गए अत्याचार को। उनका मानना था कि उनकी शहादत से भारतीय जनता और भी उग्र हो जाएगी, लेकिन तब तक वे जिंदा रहेंगे ऐसा नहीं हो पाएगा। इसीलिए मौत की सजा सुनने के बाद ही उन्होंने माफीनामा लिखने से साफ इनकार कर दिया। लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका, कल वो आगा जाएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं ना रहूं पर ये वादा है मेरा तुमसे कि मेरे बाद वतन पे मरने वालों का सैलाब आएगा, मेरे बाद वतन पे मरने वालों का सैलाब आएगा। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह की सोच पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर उन्होंने भारत की आजादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की। काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारियों को फांसी व 16 लोगों को कारावास की सजा से भगत सिंह इतना ज्यादा बेचैन हो गए कि लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर उन्होंने भारत की आजादी के लिए नौजवान सभा की स्थापना की और चंद्रशेखर आजाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। मेरे सीने पे जो जख्म है वो जख्म नहीं फूलों के गुच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो हम पागल ही अच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो हम पागल ही अच्छे हैं। इसके बाद भगत सिंह ने अपने साथी राजगुरु के साथ मिलकर अमृतसर लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे अंग्रेज अधिकारी जेपी सॉन्डर्स को मारा। इस कार्रवाई में चंद्रशेखर आजाद ने भी उनकी पूरी सहायता की। इसके बाद भगत सिंह ने अपने क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर 8 अप्रैल 1929 को ब्रिटिश सरकार की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली में ब्रिटिश सरकार को जगाने के लिए बम और पर्चे फेंके और वहीं उन दोनों ने अपनी गिरफ्तारी भी दी। रात का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है, मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आजाद है, मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आजाद है। इसके बाद 23-24 मार्च की मध्य रात्रि को उन्हें फांसी दे दी गई। दर्द इस बात का नहीं कि नोटों पर फोटो नहीं तेरी, दर्द इस बात का नहीं कि नोटों पर फोटो नहीं तेरी, दुख बस इतना ऐसे है कि दिलों से तस्वीर गायब है तेरी, बस दुख बस इतना है कि दिलों से तस्वीर गायब है तेरी। भगत सिंह की शहादत से न केवल स्वतंत्रता संघर्ष को गति मिली बल्कि वे सभी नवयुवकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए। उनके जीवन पर आधारित कई हिंदी फिल्में भी बनी हैं। वे देश के समस्त शहीदों के सिरमौर बन गए। आज भी सारा देश उनके बलिदान को बड़े सम्मान से याद करता है। आज भी सारी जनता उन्हें आजादी के दीवाने के रूप में देखती है, जिसने अपनी जवानी सहित सारा जीवन देश को समर्पित कर दिया। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।